मुझे आज की सारी फुटेज दिखाइए। जी मैम। रिकॉर्ड रूम। आपके कंप्यूटर पे नो कैमरा ऐसे क्यों नहीं आया? और परमिशन डिनाइड का मतलब? यानी कैमरा तो है मैम, पर वो किसी और जगह लगा है। तो क्या आप नई लोकेशन पता कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है मैम। वेदांत बेटा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी की दूसर कड़वी बातों के लिए तेरा ये बलिदान बहुत बड़ा है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है दादी। मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। तू मना कर दे इस शादी को। मैं फैसला कर चुका हूं दादी। दिल करता है आपको सब कुछ बता दूं दादी। पंखुड़ी लड़की है, वरना एक थप्पड़ लगाकर सच निकलवा लेता उससे। पर नहीं कर सकता क्योंकि वो खतरनाक है। उसे अगर लगा कि उसका प्लान खराब हो रहा है तो वो संजू को जान से। पिछले डोज का असर अभी कम होने लग गया होगा। इसके पहले कि वो डफर होश में आ जाए, मुझे जाकर उसे अगला डोज दे देना चाहिए। वैसे तो पूरी तैयार करके ही गई थी उसे, बस उसने कहा थोड़ा बहुत बाकी है, वो खुद कर लेगी। अरे कमरा खाली, फोन भी यही छोड़ के गई है, ये भी भगली, दूल्हा दुल्हन दोनों भगोड़े। सुमति ये क्या बोले जा रही हो? शुभ शुभ बोलो। पंखुड़ी भागी नहीं है, यहीं कहीं होगी। चलो चल के देखते। पता नहीं कहां चली गई। अरे भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा उसे पूजा घर लेकर गई हो? अरे शादी से पहले की कोई पूजा शुजा याद आ गई होगी। हाँ ये हो सकता है। हेलो संजू बेबी, तुम्हें इतने महीने बर्दाश्त करने का फल तो मुझे मिल रहा है, और अब ये रहा तुम्हारा अगला डोज। बेटा वेदांत, शुभ मुहूर्त 9 बजे का है। अगर इस तरीके से धीरे धीरे सब चलता रहा तो समय निकल जाएगा। पंडित जी, 9 बजे के बाद का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? 1 घंटे बाद, रात 10 बजे का।
पूजा 10 बजे के मुहूर्त के हिसाब से कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं। पंखुड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। वो रे शुक्र है गौ भगोड़ी नहीं निकली, मेरा मतलब है बहू भगोड़ी नहीं निकली। सुमति चलो उसे लेकर आते। वेदांत और पूर्वा ही तो एक दूसरे के लिए बने हैं भगवान, इसलिए तो आपने पूर्वा को वापस भेजा है, तो आप इन्हें जुदा मत कीजिए, कुछ भी करके रोक दीजिए ये शादी, रोक दीजिए। ये क्या पूर्वा, वेदांत का ब्याह पंखुड़ी से? अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। हार गई, मेरा प्यार हार गया और मैं इतनी मजबूर हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मजबूर इंसान होता है, प्यार जीत को पाने के लिए डटा रहता है, उसे पाने से पहले भी और उसे खोने के बाद भी। तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? आप सही कह रही हैं, मैं वेदांत को ऐसे जाने नहीं दे सकती। पंकु के हाथ में फोन, ये भगवान ये मुझसे कैसे मिस हो गया? ऐसा भी हो सकता है कि पंकु के फोन पे वो सीसीटीवी कैमरा जिससे वो संजू के ऊपर नजर रख रही है। क्या करूं? चाची जी, चाची जी, वैसे तो मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन है, पर देखिए ना उसे। अरे लोग अपना काम छोड़ के उसकी शादी के लिए आए और वो उसका ध्यान सिर्फ फोन पे। मैं बोलूंगी तो छोड़ो। अरे उसकी इतनी मजाल कि मुझ पर गुस्सा करे? भाई मैं भी तो अपनी किट्टी पार्टी छोड़ के उसकी शादी में आई हूँ। बताओ। तू रुक, अभी आती हूँ मैं। अरे पंखुड़ी, पंडित जी है ना मंत्र पढ़ने के लिए, तू क्या फोन में बिजी हो रखी है? चल ला फोन मुझे दे दे। अरे तू अपनी शादी अटेंड कर। हा? ये देख, छीन के ले आई उसका फोन,
किसी की ये मजाल कि सुमति को मना करे हाँ? चाची मैं ये फोन रख लेती हूँ, खामखा आपको क्यों तकलीफ। हाँ, तू ही रख ले। आसान है, बचपन से ही पंकु के पासवर्ड उसके बर्थ डेट है, देखती हूँ आज भी वही है क्या। इसके तो सभी कैमरा चल रहे हैं, ये सारी फुटेज तो हॉस्पिटल की है। ये कौन सी जगह है और इतना अंधेरा। हमने पूर्वा को समझा दिया है, अब वो हार नहीं मानेगी, परंतु वो इस स्थिति में उलझ गई है। क्या हम उसकी कुछ मदद कर दें? बिल्कुल कर सकती है, पर याद रहे पार्वती, आप उतनी ही मदद कर पाएंगी पूर्वा की जितनी आपके भाग्य में लिखी है। पूजा संपन्न हुई, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वेदांत, वेदांत, संजू घर में ही है, स्टोर रूम में। लोग यही रुकिए, हम बस अभी आते हैं। संजू, 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 तू कहाँ है संजू? संजू, संजू, वेदांत, ये बॉक्स। दादी, दादी, संजू यहाँ है। संजू, संजू, संजू उठो, संजू। Thank you.
ये तो एक्टिवेट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे? इसे कैसे रोकेंगे? अभी फिलहाल इतना पता है कि अगर मैंने यहाँ से हाथ हटाया तो ये बम फट जाएगा। तुम्हें संजू को बाहर लेके जाना होगा अभी। बचा लो मेरे संजू को, बचा लो वेदान। हे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? देखो संजू को यहाँ से बाहर लेके जाओ प्लीज। सब लोग यहाँ से बाहर जाइए। देखिए टाइम बहुत कम है, बॉम्ब कभी भी फट सकता है। माँ, बाबूजी, दादी प्लीज सब लोग बाहर जाइए यहाँ से प्लीज। दादी प्लीज। आपको शिकायत थी ना पार्वती कि प्यार को परीक्षा क्यों देनी पड़ी, पर देखिए परीक्षा के समय ही प्यार का एहसास होता है। अब वेदांत को पूर्वा के प्यार की गहराई जरूर दिखाई देगी। मैंने तुमसे कहा था मेरे पास वापस मत आओ, घर से बाहर जाओ जल्दी अभी। नहीं जाऊंगी। वेदांत, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपके दादाजी के सपनों को आपकी जरूरत है। आप राजा बेटा हैं, इस परिवार की नींव है आप। वेदांत, मैं एक बार मौत के मुंह से वापस आई हूं, अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं फिर से वापस आऊंगी। आप जाइए यहां से। घर से बाहर तुम जाओगी, मैं नहीं जाऊंगा, समझे? अगर ऐसा है तो कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सुन ली आपकी। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ साथ मर तो सकते हैं। नहीं नहीं पूर्वा, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। कोई नहीं मरेगा, ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं। हमें बस इस बार को काटना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कुछ तो होगा। पूर्वा जल्दी करो, टाइम कम है। बाबूजी, सारी उम्र तुझे गुदड़ी ला गंदी नाली का कीड़ा और न जाने क्या क्या कहता रहा, पर तू तो अपनों से भी ज्यादा अपना निकला। मुझे माफ कर दे वेदा, तू बेटा है मेरा, मेरा बड़ा बेटा, मेरा राजा बेटा।